नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्लम्बर एक्सपर्ट राव साहब में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ CPVC फिटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है उसका पार्ट टू। और हाँ दोस्तों, मेरी जो मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी कि 2 इंची की फिटिंग मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा करके, तो उसकी वीडियो जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और मैं उसकी एडिटिंग कर रहा हूँ। तो सोमवार को वो अपलोड होगी शाम को 7 बजे के आसपास। तो प्लीज़ उसे शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना और हमें बताना कि आप लोगों को वो हमारी वीडियो कैसी लगी। अभी बता रहा हूँ, सोमवार को 7 बजे हमारी वीडियो अपलोड होगी। और अभी बात करते हैं CPVC फिटिंग में प्रॉब्लम की। और दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो दोस्तों, ये जो फिटिंग आप लोगों ने देखी, फिटिंग का तरीका सही है। फिटिंग जो है दोस्तों, कंपनी भी यही कहती है कि आप एक ही कंपनी का पाइप, एक ही कंपनी की फिटिंग और एक ही कंपनी का सॉल्वेंट यूज करें, उसके बाद ही कंपनी की गारंटी रहती है, अदरवाइज नहीं रहती। अगर इसमें गर्म पानी भी चालू है, जिसमें आप लोगों को बताया स्मार्ट फिट का पाइप है, लेकिन इसमें क्या है कि CPVC की जो फिटिंग है वो 2 तरह की हो रखी है, ये आशीर्वाद और प्रिंस स्मार्ट फिट की। कल को भविष्य में इसमें लिपाई भी होगी, पलस्तर भी होगा, टाइल भी लगेंगी और भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग डाउट करेंगे कि CPVC फिटिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। वो प्रॉब्लम्स इसीलिए आती हैं कि कुछ प्लम्बर भाई हैं या कुछ लगा ले मकान मालिक हैं जो स्टार्टिंग में सामान लिखवाते हैं, वो ले आते हैं बढ़िया कंपनी का, आशीर्वाद का ले आते हैं, एस्ट्रल का ले आते हैं, जो भी कुछ है। उसके बाद जब दोबारा सामान लिखते हैं तो फिर जैसा दुकानदार देता वैसे, उसके ऊपर फिर वो फोकस नहीं करते, गौर नहीं करते कि हम लोग पहले कौन सी कंपनी का लेके आए थे। या फिर कुछ मेरे ऐसे प्लम्बर भाई हैं जो कि अपना फायदा करने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं। मकान मालिक प्लम्बरों पर भरोसा करते हैं, जाओ भैया सामान तुम ले आओ। तो हमें ये गौर करने वाली बात है कि जब हमें ये पता होगा कि वहां पर ये कंपनी का पाइप लगा है, आशीर्वाद का है, प्रिंस का है, एस्ट्रल का है, तो वो चाहे महंगा आए या सस्ता आए, हमें सिर्फ उसी कंपनी का ही पाइप लाकर लगाना चाहिए। पैसे लगेंगे, मकान मालिक के लगेंगे, हमारे नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, CPVC की जो फिटिंग होती है उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स हमारे काम करने के तरीके में आती है। और मेरी हर एक प्लम्बर भाई से और हर एक मकान मालिक से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आशीर्वाद कंपनी का पाइप लें तो आशीर्वाद की ही फिटिंग और आशीर्वाद का ही सॉल्वेंट देख कर ही लें। एस्ट्रल का लें तो प्रॉपर फिटिंग पाइप और सॉल्वेंट एस्ट्रल का ही हो, फिनोलेक्स हो, प्रिंस हो, प्लास्टो हो, जो हिंदवेयर हो, जो भी फिटिंग है, आप लोग बस एक ही कंपनी का पाइप, एक ही कंपनी की फिटिंग और एक ही कंपनी का सॉल्वेंट का यूज करेंगे तो ही कंपनी गारंटी रहती है, अदरवाइज कंपनी गारंटी नहीं लेगा। भविष्य में आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि पैसा मकानों में एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता है, और रुपए 2 रुपए का कोई बात नहीं होती है। तो इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखकर हमें ये सब काम करना चाहिए। एक जगह, दो जगह तसल्ली करें कि आप लोग कौन सी कंपनी का लगवा रहे हैं, तो शुरू से लेकर आखिरी तक एक ही शॉप को पकड़ें, एक ही दुकान को, और एक ही कंपनी का सामान लाएं, ताकि आपका सामान बाद में फिटिंग कंप्लीट होने के बाद, उसके बावजूद अगर आपका सामान बच भी जाता है तो वापस यानी रिटर्न करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बाद में दुकानदार बोल देते हैं ये हमारे दुकान का नहीं है, ये उसकी दुकान का है, ये उसका है, तो आप लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब हम लोग सामान लेके आते हैं, जब तो हमें कोई पास में नज़दीक में दुकान पड़ गई, हाँ इससे ले लिया, वो उधर बाजार में गए तो उधर से ले लिया, लेकिन घर में जाने के बाद सामान जो है वो मिक्सिंग हो जाता है। और जब सामान आखिर में बचता है, क्योंकि 100% सामान में 20-25% सामान बचता ही बचता है, 15-20% तो कन्फर्म बचता है सामान। जब उस सामान को हम लोग वापिस करेंगे तो वापिस करने में फिर बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये एडवाइस या मेरा सुझाव, अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और जैसे मेरी पिछली वीडियो को आप लोगों ने जो प्यार दिया है, वही प्यार मेरी इस वीडियो को भी दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और याद रखना दोस्तों, सोमवार को 7 बजे हमारी वीडियो आएगी 2 इंची फिटिंग की 1500 लीटर की टैंक की।
तो प्लीज उस वीडियो को वॉच करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।